बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिलाल वीलॉग्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि जो टीम अनाउंस की गई थी वर्ल्ड T20 कप के लिए, उस टीम में अब तीन तब्दीलियां की गई है। पहली जो तब्दीली है, फ़खर जमान को शामिल किया गया है खुशदिल शाह की जगह। दूसरी तब्दीली जो है, सरफराज अहमद को शामिल किया गया है आज़म खान की जगह। जबकि तीसरी तब्दीली जो की गई है वो है हैदर अली को हसनैन की जगह शामिल किया गया है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी इसी चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म से मैंने भी इसके ऊपर बात की थी कि जो सिलेक्शन हुई है वो ठीक नहीं हुई है। स्पेशली आज़म खान के ऊपर हमने बात की थी और उसके अलावा खुशदिल शाह के ऊपर बात की थी, आसिफ अली के ऊपर भी हमने बात की थी। लेकिन एट द एंड जो नेशनल T20 कप हो रहा है, इस T20 कप में इन तीन प्लेयर्स ने प्रूव कर दिया कि हमारी सिलेक्शन बनती थी लेकिन हमसे ज़्यादती हुई है। एट द वेरी एंड सोशल मीडिया के दबाव पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इनके लिए आवाज़ उठी है। एट द एंड PCB ने फैसला कर लिया है कि इन तीन खिलाड़ियों को शामिल किया जाए और कल सुबह ये तीनों खिलाड़ी नेशनल एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये थी ताज़ा तरीन। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।